श्री अरविंद अनुगामी भौणी और भाई मान साधर प्रणाम और चैत्य संपर्क आलोचनार चतुर्दश 14 एपिसोड को स्वागत। आज प्रथम आलोचना मातृ रचनावली षष्ठ खंड पृष्ठा 33-34 लेखा। जड़े साधक पचारे जदि चैत्य थे सामना को आसी थाए पर कौन निजक प्रत्याहार कर नहीं पार माँ उत्तर देले हाँ जनकर बेले बेले क्रमान्वयर अनेक अभिज्ञता होता है बेस गभीर एकात्म होवार अभिज्ञता तापर से आवेग मऊली जाए दिने से अनुभव करे आउ चैत्यर प्रभाव ना से कहीं व्यस्त हम ना एमती प्राय हुए किंतु ए प्रकार प्रथम चैत्य अनुभव पर द्वितीय थर चैत्य संजोग पाइबा सहज हुए बेसी डेरी रे नुहे एपरी समय आसे जेतेबेले थरे मात्र संकेन्द्रीकरण बा कंसेंट्रेशन ओ आस्पृहा कले जोगाजोग होई जाए चैत्य संपर्क परवर्ती थर मध्य स्थायी भावे रही न पारे खेले निष्ठार सह आस्पृहा कले संजोग होई जाए बाकी सब सहजरे होई जाए जेतेबेले कौनसी असुविधा आसे बा कौनसी समस्यार समाधान करिबाकु हुए किछि प्रोग्रेस बा अग्रगति करिया पई प्रयास जागे किंबा जणे कौनसी कारणरु गभीर मनस्ताप बा डिप्रेशन रे थाए एही सब प्रकार परिस्थिति रे चैत्य को आंतरिकता सह स्मरण कले चैत्यर सहयोग रे समाधान मिल जाए तापर एकात्म हेबा कथा चैत्य सह एकात्म हेबा एक अतीव आनंददायक अनुभव एही स्थिति रे थाई एकात्म हेबा जणे जदि एकात्म हेबा पई जणे जदि एकाग्र आस्पृहा करे से चैत्यठार उत्तर पाए नीरवरे बसी गभीर आस्पृहा सह कनसेंट्रेट कले चैत्य सह बेस शीघ्र जोगाजोग हो जाए एबे जो सब परिस्थितिर आलोचना आमे कले ताहा क्रमान्वय रे केते थर संपर्क परे चैत्य विच्छिन्न हो जाइथिबा बेलर कथा परवर्ती काल रे चैत्य सह संजोग पाइबा सहज हुए एवं पुनर्बार केते थर अभिज्ञता परे चैत्य सह संजोग आउ विच्छिन्न हुए नाही चैत्य चेतनार गभीर थी सबु प्रकार शुभ प्रयासर सफलता पाई व्यक्ति सत्तार पथ सुगम करदिए ए विषय उपसंहार माँ कही चैत्य संजोग स्थायी हेले व्यक्ति सत्ता सर्वदा सत्यर अनुगामी हुए ओ चैत्य तार फ्रेंड फिलोसोफर गाइड बा बंधु ओ पथ प्रदर्शक रूपे सबु प्रयासर मोटिव फोर्स बा प्रचारक प्रचालक शक्ति हुए श्री अरविंद कही साधारण सिद्धि प्राप्ति पाई चैत्य सत्ता और उच्चतर चेतना मध्य दृढ़ संपर्क स्थापन करिवा होची मुख्य पंथा यह आधार कर जड़े साधक माँ को पचारिथिले माँ साधारणत चैत्य सत्ता और उच्चतर चेतना मध्य कौन सी संपर्क न था कि माँ उत्तर देते साधारण जीवन 10 लक्ष भितर जनकर भी एपरिक सामयिक भाव मध्य चैत्य सह सचेतन संपर्क न था 10 लक्ष मधर जड़े मध्य चैत्य सह सचेतन संपर्क न था एठारे आमे सचेतन शब्द उपरे गुरुत्व देवा आमे पूर्वर आलोचना करिछे जे साधारण मनुष्य सबुबले प्राय तार बाह्य चेतनारे रही चैत्य सह संपर्क को अनुभव करि पारे नाही चैत्य नीरवरे मनुष्य साधारण चेतनार अगोचर रे काम करूथाए माँ से कथा कही चैत्य एपरी अदृश्य भावे काम करूथाए जे बाह्य सत्ता चैत्यर उपस्थिति संपर्क रे अविदित थाए किंबा अधिकांश क्षेत्र रे मनुष्य को सुप्त बा निष्क्रिय परी बोध होता है केवल साधना और निरवच्छिन्न चेष्टा द्वारा ही व्यक्ति सत्ता चैत्य सह सचेतन संपर्क प्रतिष्ठा करि पारिबो अवश्य बेले बेले अस्वाभाविक भाव ए संपर्क जोड़ी हो जाए आम आगर आलोचना करे जे चैत्य पुरुष जितेबले पार्थिव जीवन रे जन्म पर जन्म यहीपरी बहु जन्म पर प्रयोजन सबु प्रयोजन अभिज्ञता ग्रहण करने तार बुद्धि संपूर्ण हो जाए पुनर्जन्म तार इच्छाधीन हो जाए साधारणत से मनुष्य जन्मग्रहण नक दिव्य निर्दिष्ट किसी
दिव्य कार्य करे। किंतु बेले बेले सेपरी चैत्य पुरुष मनुष्य देह मध्य धारण करी धरावतरण करती संसार पर किसी महत् कार्य करती। समाज में बेले बेले यहीपरि दिव्य आचरण मनुष्य को देखा मिले। यही पूर्ण गठित चैत्य सत्ता एत शक्तिशाली जे से व्यक्ति सत्तार साधारण चेतना सह स्थायी संपर्क रखी साधारण चेतना सह स्थायी संपर्क रखी व्यक्ति मध्यम समाज मंगल कार्य मान करते परिचित प्रचारित प्रणाली रे साधना करूँ न। मुझुची महात्मा गांधी विनोबा भावे वही प्रकार मनुष्य मैंने वर्गर जहाँ को आंगुठी गणी दे हम यह असाधारण उदाहरण साधारण प्रजोज्य नुहे। आमको जाणि रखा हेब जे सबु क्षेत्र में अविचलित निरवच्छिन्न साधना बल जड़े चैत्यर स्थित को अनुभव करें चैत्य सह संपर्क लाभ करें जड़े जदि चैत्य सह 30 वर्ष साधना बल जोड़ी हो जा पारा 30 वर्ष साधना बल जोड़ी हो जा पारा भाग्यवान कहुपर अवश्य केतेक क्षेत्र में पूर्वजन्म योगी भाव साधना कर साधुसंत भाव पुनर्जन्म लाभ कर चैत्य सह संपर्क मूलर हो मूलर सम्मुखें थाए यू विरल उदाहरण। शेष आलोचना मातृरचनावली सप्तम खंड पृष्ठा 418-419 आधार में जड़े माँ को पचारिथिले आपण लिखिंट आम गोपन प्रकृति में कई जड़े तार जानत अजाणत दिव्यंग निमित्त आस्पृह करुए से जनक किए माँ उत्तर देले से मनुष्य सत्तार कौन से एक अंश विभिन्न मनुष्य पाई से अलग अलग सबुबले मनुष्य सत्तार कौन से अंश चैत्य प्रति उन्मुख थाए और चैत्य ठार बेले बेले प्रभाव ग्रहण करुए ता प्राय आच्छादित थाए एणु मनुष से विषय जापार नए समस्त एक अंश नुहे भिन्न मनुष्य पर भिन्न अंश चैत्य संजोग यह मनुष्य प्रकृति और चरित्र कौन सी अंश बा दिग हो पारे यह मध्यम व्यक्ति सत्ता अजाणत चैत्य संजोग आम साधारण मनुष्य यह आश्वासन कथा समस्त मध्य ईश्वर अंश विद्यमान आम हूं तो जानूना हेले आम सत्तार कौन सी एक अंश सदासर्वदा चैत्य संपर्कित हो ईश्वर प्रति उन्मुख हो रही दुईटी मुख्य प्रकृति बा चरित्र विभाव प्रथमटी है आग्रह बा उत्साह मनुष्य कौन सी कार्य करने आग्रह बा उत्साह जिते बेसी ताते बेसी तामसिकता और निष्क्रियतार बेष्टनी मुक्त होब। उदाहरण स्वरूप गोटे चित्रकर तार कलापी वैज्ञानिकतार गवेषणापी जिते विपुल आग्रह नहीं कर्म निमग्न रही अनुसार चैत्यर प्रभाव और दिग्दर्शन लाभ कर व्यक्ति तार सामर्थ्यर विकास कौन सी रचनात्मक कार्य निष्ठार सह कर्मरत हेले तार चैत्य सत्ता उन्मुक्त हो जाए। द्वितीय है कृतज्ञता भाव केतेक ज्ञान है बेलू गभीर कृतज्ञता बोध थाए से थाए मधुर उष्म व्यवहार भक्ति और आनंद से माने जीवनर सबु घटन अदृश्यंकर अनंत कृपा कार्य करुथिबार मने करी सहजरे ग्रहण करती और कृतज्ञता भाव पोषण करती। मुझे केते साधारण मनीष तांकर बुद्धि विद्या ज्ञान अति साधारण हेले मध्य से मानकर कृतज्ञता भाव एते स्वाभाविक और उच्छ्वसित जे से माने अनेक समय रे बुझी न पारी चैत्यर अपूरंत साहाज्य पाई से माने गभीर कृतज्ञता प्रकाश करती से कारण कृतज्ञता भाव से मानकर जन्मगत सहजात प्रकृति। यही दुई कथा कर्मरे उत्साह और आग्रह एवं कृतज्ञता भाव जहाँ पाखे दुईटी अंत गोटे विपुल परिमाण में थाए यह चैत्य सह संजोग स्थापन करने शक्तिशाली उपकरण भाव काम करे। यहाद्वारा अनेक परिमाण में अहंग्र शिकुड़ी मध्य मुक्ति मिलता है। आजपाई एति की धन्यवाद प्रणाम।